वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोला लर्निंग ड्रग, जहां आप पाते हैं मेडिसिन के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, ज्यादातर महिलाओं को गर्भ अवस्था के समय या प्रेगनेंसी के टाइम उल्टी या उबकी की शिकायत रहती है, तो उनको डॉक्टर द्वारा कौन सी टैबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है और वो टैबलेट कैसे और कब लेनी चाहिए और कितने दिनों तक लेनी चाहिए और किन लोगों को वो टैबलेट नहीं लेनी चाहिए, तो इस वीडियो में बात करेंगे पूरी डिटेल में। तो वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको सही जानकारी होगी। डॉक्सिनेट टैबलेट 30 टैबलेट की पैकेजिंग में आपको मिलती है। दोस्तों, डॉक्सिनेट टैबलेट जिसका कंपोजिशन है डॉक्सिलामाइन सक्सिनेट 10 mg और पाइरिडॉक्सिन जिसको विटामिन B6 बोलते हैं और 10 mg, ये इसमें अवेलेबल होता है। दोस्तों, डॉक्सिनेट टैबलेट मनीष फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बनाई गई है, जो कि स्पेशली वुमेन्स में प्रेगनेंसी के समय जो उल्टी या उबकी की शिकायत रहती है उसको रोकने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्सिनेट टैबलेट का इस्तेमाल प्रेगनेंसी के समय होने वाली उल्टी या उबकी को रोकने के लिए किया जाता है। मॉर्निंग सिकनेस और विटामिन B6 जिसको पाइरिडॉक्सिन बोलते हैं उसकी कमी होने पर भी डॉक्सिनेट टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, एलर्जी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।